आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बेहतरीन चैप्टर, कैलकुलस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिमिट्स। इस कंसेप्ट को समझना है और इस कंसेप्ट को समझने के बाद ही समझ लीजिए हम कैलकुलस की शुरुआत कर सकते हैं। एकलौते ऐसा कंसेप्ट, एकलौती ऐसी चीज जो कि एलजबरा को कैलकुलस से अलग करती है ना, वो है कंसेप्ट ऑफ लिमिट। लिमिट ही वो कंसेप्ट है जो कि एलजबरा को कैलकुलस से बिल्कुल अलग कर देती है। इसी कंसेप्ट के कारण एलजबरा एलजबरा है और कैलकुलस कैलकुलस है। आइए इस कंसेप्ट को समझें डिटेल में, इसका एनालिसिस करें और इस पर वे सवाल भी लगाते हैं। सबसे पहली चीज भाई जो मन में आनी चाहिए कि लिमिट ऑफ वॉट, किसकी लिमिट निकालनी है, तो भाई साहब फंक्शन की लिमिट निकलेगी। इनफैक्ट इस चैप्टर का नाम ही होता है लिमिट्स ऑफ फंक्शन, लेकिन आमतौर पर हम लोग छोटे में केवल लिमिट ही लिख देते हैं। अब अगर कोई एक्सप्रेशन फंक्शन नहीं है, हम लोग फंक्शन का चैप्टर पढ़ चुके हैं तो हम लोग ये बात जानते हैं कि कौन सा एक्सप्रेशन फंक्शन है और कौन सा एक्सप्रेशन फंक्शन नहीं है। तो अगर कोई एक्सप्रेशन फंक्शन है तो आप उसकी लिमिट निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे लिमिट, क्या होती है लिमिट, वो मैं समझाऊंगा, लेकिन किसकी लिमिट निकलेगी भाई, फंक्शन की लिमिट निकलेगी। अगर कोई चीज फंक्शन नहीं है तो लिमिट नहीं निकल सकती। लिमिट की बात केवल किसके लिए होगी, फंक्शन के लिए होगी। तो सबसे पहला सवाल भैया किसकी लिमिट निकालनी है, भाई फंक्शन की लिमिट निकालनी है। दूसरा सवाल ये आता है कि अच्छा भैया फंक्शन की लिमिट निकालनी है, ठीक है, पर गुरु जी हमने तो फंक्शन का पूरा चैप्टर पढ़ लिया, उसमें तो कहीं लिमिट का जिक्र ही नहीं आया, आखिर ये लिमिट है क्या, वॉट इज लिमिट। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर लिमिट है क्या। अच्छा देखो, कंसिडर करो एक फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, ये एक फंक्शन है, कंसिडर करिए एक फंक्शन। अगर मैं आपसे f ऑफ 2 पूछूं तो कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करोगे, x को शुद्ध 2 रख दोगे। मान लो मैं आपसे f ऑफ 3 पूछूं तो क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, x को शुद्ध 3 रख दोगे। f 2 सिंबल है, इसका मतलब भैया x को 2 रख दे। f 3 भी एक सिंबल है, इसका मतलब x को 3 रख दे। F4 भी एक सिंबल है जिसका मतलब है x को 4 रख दो। ये चीज कहलाती है वैल्यू ऑफ फंक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम VOF भी कह देते हैं। ये हम निकालते रहे हैं फंक्शन के चैप्टर में, कोई नई बात नहीं है, लेकिन खास बात यह है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन इज कैलक्यूलेटेड एट एन एग्जैक्ट पॉइंट। जो आप वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते हैं वह बिल्कुल शुद्ध निश्चित बिंदु पर निकालते हैं, शुद्ध निश्चित बिंदु पर। यानी भैया एफ ऑफ 2 बोल रहे हैं तो एक्स को शुद्ध 2 रखिए, एफ ऑफ 3 बोल रहे हैं एक्स को शुद्ध 3 रखिए, एफ ऑफ 4 बोल रहे हैं एक्स को शुद्ध 4 रखिए, एंड सो ऑन। जब भी हम लोग इसकी बात करते हैं तो हम इसको शुद्ध निश्चित बिंदु पर निकालते हैं, f ऑफ 2, f ऑफ 3, f ऑफ 4 एंड सो ऑन। ये है वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब ये लिमिट तो नहीं है, क्योंकि इसका काम लिमिट है ही नहीं है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो लिमिट क्या मैं बताता हूं, वॉट इज लिमिट। अब ये जो चिन्ह है f ऑफ 2, ये बताता है भैया x को शुद्ध 2 रखते, f ऑफ 3 x को शुद्ध 3 रखते, ना 3 से बड़ा ना 3 से छोटा, x को शुद्ध 4 रखते, ना 4 से बड़ा ना 4 से छोटा। अब लिमिट क्या है, लिमिट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन वेरी वेरी क्लोज टू सम पॉइंट, वेरी वेरी क्लोज टू सम। लिमिट भी वैल्यू ऑफ फंक्शन ही है, लेकिन किसी पॉइंट पर नहीं, पॉइंट के बहुत करीब में। अब पॉइंट के बहुत करीब में तो आप f ऑफ 2 नहीं लिख सकते, क्योंकि f ऑफ 2 का मतलब क्या है, शुद्ध 2 पर वैल्यू निकालो। इसके लिए नया नोटेशन आता है, नया सिंबल आता है, और हम लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेज a एफ एक्स। इस चीज को पढ़ा जाता है, इस चीज को पढ़ते हैं x अप्रोचेज a, या इसको पढ़ते हैं x टेंड्स टू a, या इसको पढ़ते हैं x इज वेरी
वेरी क्लोज टू ए, क्योंकि अगर मुझे ए पर वैल्यू पूछनी होती तो मैं आपसे एफ ऑफ ए पूछ लेता, भैया ए पर वैल्यू ऑफ फंक्शन बता दो, लेकिन मुझे ए पर वैल्यू नहीं पूछनी, मुझे ए के बहुत करीब में फंक्शन की वैल्यू पूछनी है। तो मैं एक नया सिंबल यूज करता हूं, एक नया नोटेशन यूज करता हूं, और वो सिंबल ये है। जब भी कोई आदमी आपसे पूछेगा फाइंड लिमिट एक्स अप्रोचेज एफ एक्स, तो इसका मतलब होगा फाइंड वैल्यू ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स इज वेरी 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 क्लोज टू ए बट एक्स नॉट इक्वल टू ए। तो व्हाट इज लिमिट? लिमिट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन वेरी वेरी क्लोज टू सम पॉइंट। एफ ऑफ ए नहीं पूछ रहे, आपसे पूछ रहे हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एफ एक्स बताओ। जब मैं आपसे पूछूं लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एफ एक्स बताओ, यानी फंक्शन की वैल्यू ए के बहुत करीब में बताओ, ए पर नहीं पूछ रहा, ए के बहुत करीब में बताओ। तो ये होती है लिमिट, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन एग्जैक्ट निश्चित बिंदु पर निकलता है, शुद्ध पॉइंट पर निकलता है, लेकिन लिमिट का शुद्ध पॉइंट नहीं होता। लिमिट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन वेरी 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 क्लोज टू सम पॉइंट, नॉट एट दैट पॉइंट। मन में तुरंत एक सवाल आता है, अभी मैं और लिमिट के बारे में बात करेंगे, पर अभी हमने जान लिया कि व्हाट इज लिमिट। और चूंकि एक नई चीज है इसलिए इसके लिए नया सिंबल है। एफ ऑफ टू नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं लिमिट एक्स अप्रोचेज टू एफ एक्स, यानी भैया फंक्शन की टू के बहुत करीब में वैल्यू बताओ। ये एक अलग नोटेशन है, ये शुद्ध पॉइंट पर वैल्यू पूछता है, ये अलग नोटेशन है। लिमिट एक्स अप्रोचेज एफ एक्स का मतलब है फंक्शन की वैल्यू बताइए, लेकिन कब? जब एक्स ए के बहुत ही करीब में है, बहुत करीब। जैसे ही बच्चों के डेफिनेशन पढ़ाओ तो उनके दिमाग में तीसरा सवाल आता है, व्हाई टू फाइंड लिमिट। गुरु जी आप इतनी देर से कह रहे हो ए के बहुत करीब में वैल्यू बताओ, ए के बहुत करीब में वैल्यू बताओ। अरे ए पर ही वैल्यू जान लो, काहे करीब में वैल्यू? मैं बताता हूं, आमतौर पर लिमिट निकालने की जरूरत ऐसे पॉइंट पर पड़ती है जो डोमेन में नहीं हो, जैसे जेनरली जेनरली लिमिट इज कैलक्यूलेटेड एट अ पॉइंट विच इटसेल्फ इज नॉट इन डोमेन, क्योंकि वो पॉइंट तो डोमेन में है नहीं, सॉरी, क्योंकि वो पॉइंट तो डोमेन में है नहीं, तो पॉइंट पर तो वैल्यू निकल ही नहीं सकती। सिंस वैल्यू एट दैट पॉइंट कैन नॉट बी नोन एज इट इज नॉट इन डोमेन, सो वी फाइंड वैल्यू ऑफ फंक्शन वेरी 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 क्लोज टू दैट पॉइंट एंड दिस इज कॉल्ड लिमिट। अब इसके अंदर एक्चुअली बात ये है, फंडा ये है भैया, कि आप उस पॉइंट के बहुत करीब में वैल्यू निकालना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि पॉइंट डोमेन में नहीं आई। एक एग्जाम्पल की तरह समझाऊं, एक एग्जाम्पल की तरह, जैसे एक फंक्शन ले लें साइन एक्स अपॉन एक्स, अगर हम इसकी डोमेन की बात करें तो इसकी डोमेन में सारी वैल्यू हैं सिवाय जीरो के, बस इसकी डोमेन में जीरो नहीं है, इसकी डोमेन में सारी वैल्यू हैं सिवाय जीरो के। तो आपका मन कितना भी करे आप एफ ऑफ जीरो नहीं निकाल सकते, क्योंकि जीरो उसके डोमेन में है ही नहीं। अब सवाल उठता है, गुरुजी जीरो तो डोमेन में ही नहीं, तो क्या करें? इसीलिए हाँ कंसेप्ट आता है लिमिट, इसीलिए हम कैलकुलेट करते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स। दैट इज वाई द कंसेप्ट ऑफ लिमिट केम इनटू पिक्चर। अब ये पॉइंट तो डोमेन में था नहीं, लेकिन मैथमेटिशियन को साइंटिस्टों को जरूरत पड़ी कि
कि चलो यार जीरो ना सही, जाने दे, जीरो नहीं है, जीरो के आसपास की वैल्यू तो है, तो छोड़ जीरो को, छोड़ जीरो के बहुत करीब में वैल्यू बता दे। जैसे ही उन्होंने पूछा कि जीरो के बहुत करीब में वैल्यू बता दे, जीरो पर तो बता नहीं सकता, जीरो डोमेन में नहीं है, लेकिन केवल जीरो ही तो नहीं है, जीरो के बहुत करीब की वैल्यू तो है डोमेन में, जीरो के बहुत करीब की वैल्यू बता दे। जैसे ही सवाल मुंह से निकला, जीरो के बहुत करीब की वैल्यू बता दे, यानी वो लोग क्या पूछ रहे हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, वो लोग लिमिट पूछ रहे थे। इस प्रकार से लिमिट के चैप्टर का जन्म हुआ। लिमिट के चैप्टर का जन्म रियल में ऐसे पॉइंट के करीब में फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए हुआ था जो पॉइंट खुद डोमेन में ना हो, लेकिन किसी जरूरत के कारण, चलो पॉइंट पर वैल्यू ना सही, उस पॉइंट के बहुत करीब में वैल्यू जानने की जरूरत पड़ी, इसलिए लिमिट का जन्म हुआ। तो हमने तीन सवालों का जवाब दिया, भैया किसकी लिमिट निकालनी है, क्या है ये लिमिट जो हम निकालना चाहते हैं, क्यों आए, क्यों जरूरत पड़ी लिमिट की, वाई टू फाइंड लिमिट। आइए अब चौथा और पांचवा, दो आखिरी सवाल, और इस चैप्टर में पांच ही सवाल हैं, पांच सवाल में ही पूरा चैप्टर सिमट जाता है। चौथा सवाल ये है, तो हमने भैया पहला सवाल ये समझ लिया किसकी लिमिट निकलेगी, क्या है ये लिमिट जो निकालनी है, क्यों जरूरत पड़ी लिमिट की। अब चौथा सवाल आता है, व्हेन लिमिट एग्जिस्ट, आप लिमिट निकालना तो चाहते हैं, लिमिट निकालना तो चाहते हैं, लेकिन कब लिमिट निकलेगी, कब लिमिट एग्जिस्ट होगी, कब कहेंगे हाँ लिमिट आ गई। मैं बताता हूं, कोई भी नंबर अगर नंबर लाइन पर ले लें, जैसे मान लीजिए नंबर लाइन पर टू ले लें, तो किसी लिमिट क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन वेरी वेरी क्लोज टू सम पॉइंट, लिमिट क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन वेरी वेरी क्लोज टू सम पॉइंट। अच्छा, तो लिमिट हो गई वैल्यू ऑफ फंक्शन वेरी वेरी क्लोज टू सम पॉइंट। तो किसी भी पॉइंट के करीब जाने के दो रास्ते हैं, आप किसी पॉइंट के करीब उस पॉइंट की बड़ी वैल्यू से जा सकते हैं, और किसी भी पॉइंट के करीब उस पॉइंट की छोटी वैल्यू से जा सकते हैं, ठीक है। जैसे टू के करीब जाने के दो रास्ते हैं, टू के जितना करीब 2.1 है उतना ही करीब 1.9 भी है, और करीब चले टू के जितना करीब 2.01 है उतना ही 1.99 भी है, और करीब चले टू के जितना करीब 2.001 है उतना ही करीब 1.999 है। यानी किसी भी नंबर के करीब जाने के, किसी भी नंबर को अप्रोच करने के, किसी भी नंबर को टेंड करने के दो रास्ते हैं। आप उस नंबर के करीब जा सकते हैं उस नंबर की बड़ी वैल्यू से, और उस नंबर के करीब जा सकते हैं नंबर की छोटी वैल्यू से। तो जब आप किसी नंबर को टेंड करते हैं, नंबर के करीब जाते हैं नंबर की बड़ी वैल्यू से, तो वो कहलाता है राइट हैंड लिमिट। लेकिन जब आप नंबर के करीब जाते हैं नंबर की छोटी वैल्यू से, तो वो कहलाता है लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब है आप नंबर के करीब जा रहे हैं लेकिन नंबर से चिनन मिनन बड़े हैं, थोड़े से बड़े, और लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है आप नंबर के करीब जा रहे हैं लेकिन नंबर से चिनन मिनन छोटे हैं, थोड़े से छोटे। अच्छा, राइट हैंड लिमिट को लिखते हैं, दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं एक्स अप्रोचेस ए प्लस, ए के ऊपर ये प्लस पावर में लगा देते हैं ऐसे, प्लस साइन। प्लस साइन का मतलब होता है ए को टेंड करेंगे, ए के करीब जाएंगे, ए के बहुत करीब जाएंगे लेकिन ए की बड़ी वैल्यू से। और लेफ्ट हैंड लिमिट को प्रदर्शित करते हैं, बताते हैं, जताते हैं, दिखाते हैं ए की पावर माइनस साइन लगा, यानी आप ए को टेंड करिए, ए के करीब जाइए, ए के बहुत करीब जाइए लेकिन ए की छोटी वैल्यू से। और चाहे आप नंबर के करीब नंबर की बड़ी वैल्यू से जाएं, चाहे आप नंबर के करीब नंबर की छोटी वैल्यू से जाएं, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, इज इक्वल टू फाइनाइट एंड एग्जैक्टली नोन, अगर एलएचएल आरएचएल दोनों बराबर हैं और फाइनाइट हैं और एग्जैक्टली नोन है, तब हम कहते हैं देन वी से दैट लिमिट एग्जिस्ट। चाहे आप उस नंबर को टेंड करें नंबर की बड़ी वैल्यू से, चाहे आप उस नंबर को टेंड करें नंबर की छोटी वैल्यू से, दोनों ओर से टेंड करने पर वैल्यू सेम आनी चाहिए, फाइनाइट आनी चाहिए, एग्जैक्टली नोन आनी चाहिए, अननोन फाइनाइट नहीं आना चाहिए, तब हम बोलेंगे हाँ भैया लिमिट एग्जिस्ट।
लिमिट विद्यमान है। देखो लिमिट की जरूरत तो पड़ी थी आमतौर पर ऐसे पॉइंट के आसपास में वैल्यू ढूंढने के लिए जो पॉइंट खुद डोमेन में ना हो, लेकिन फिर लिमिट को ऐसी जगह भी निकाल सकते हैं जो पॉइंट खुद डोमेन में हो। ये छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कोई आपसे पूछे लिमिट एक्स अप्रोचेस वन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब उसने एक्स अप्रोचेस वन कहा तो इसका मतलब भैया एक्स वन नहीं है, या तो वन से चिनन मिनन बड़ा है या वन से चिनन मिनन छोटा है। सबसे पहली बात मन मंदिर में यही बसानी है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस ए मीन्स एक्स क्लोज टू ए बट एक्स नॉट इक्वल टू। क्योंकि अगर मुझे ए पर वैल्यू पूछनी होती तो मैं एफ ऑफ ए पूछता ना, उसका सिंबल मौजूद है, हर चिन्ह का अपना मतलब है, उस चिन्ह के हिसाब से चलना है। जब लिमिट पूछ रहा हूं यानी मैं भैया उसके पास में वैल्यू पूछ रहा हूं। अच्छा यहां देखो, अब एक्स वन है। अब यहां पर हम दो बातें करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट की और राइट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि एक्स वन से चिनन मिनन छोटा है, और राइट हैंड लिमिट का मतलब है एक्स वन से चिनन मिनन बड़ा है। अगर एक्स वन से चिनन मिनन छोटा है तो वन से चिनन मिनन छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, वन से जरा सा भी छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। और अगर एक्स वन से चिनन मिनन बड़ा है तो वन से चिनन मिनन बड़े का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। ओहो मेहनत तो की, लेकिन हम बोलेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों लिमिट एग्जिस्ट क्यों नहीं करती है? क्योंकि एल एच एल और आर एच एल बराबर नहीं है। लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी, लिमिट तभी मानी जाएगी जब चाहे आप नंबर को नंबर की छोटी वैल्यू से टेंड करो, चाहे आप नंबर को नंबर की बड़ी वैल्यू से टेंड करो, वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट विल ओनली एग्जिस्ट व्हेन एल एच एल आर एच एल बोथ आर फाइनाइट एंड एग्जैक्टली नो। तो भैया लिमिट किसकी निकालनी है पता लग गया, क्या है जो लिमिट निकालना चाहते हैं पता लग गया, क्यों जरूरत पड़ी लिमिट निकालने की पता लग गया, लिमिट कब निकल जाएगी ये भी पता लग गया। एकलौता सवाल, पांचवा और आखिरी सवाल इस चैप्टर का, जिसको आगे आने वाले हम काफी लेक्चर तक एक्सप्लोर करेंगे, वो है गुरुजी हाउ टू इवेल्युएट लिमिट। आइए यहीं पर हम बात करते हैं, यहीं पर चर्चा करते हैं इस चैप्टर के अंतिम प्रश्न की कि गुरुजी बाकी सब तो ठीक है समझ गए, लिमिट किसकी निकलेगी जान गए, क्यों जरूरत पड़ी लिमिट निकलेगी जान गए, क्या है लिमिट जान गए, कब आएगी लिमिट जान गए, लेकिन ये बताइए कैसे आएगी। एकलौता सवाल, हाउ टू इवेलुएट लिमिट, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, हाउ टू इवेलुएट लिमिट। क्योंकि आईटी में तो सवाल आएंगे, आईटी क्या मैथ में तो सवाल ही होते हैं, थ्योरी का वाइवा तो कोई पूछता नहीं है। चलो लिमिट का कंसेप्ट लेकिन हमारे दिमाग में बन गया कि भैया क्या है लिमिट, क्यों है लिमिट, कैसे है लिमिट, कब आएगी लिमिट, काफी कुछ पता लग गया। अब गुरु जी चलिए ये सब तो समझ गए, ये लिमिट निकलेगी कैसे आप तो ये बताइए, ये सबसे बड़ी चीज है, इसको ध्यान से देखना है और ध्यान से सुनना है कि लिमिट इवेल्युएट कैसे करेंगे। सुनिए ध्यान से, गिवन मान लीजिए आपको दिया जाए लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एफ एक्स, ये गिवन है, इसको फाइंड करना है, गिवन नहीं बल्कि मुझे लिखना चाहिए टू फाइंड, टू फाइंड। तो मैं निकालना चाहता हूं लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एफ एक्स, निकालना चाहता हूं मैं, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एफ एक्स। ओके मेथड सेट है, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल बिल्कुल ना के बराबर करेंगे, मेथड सेट है आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल बिल्कुल ना के बराबर करेंगे। अच्छा अब मेरी बात सुने, टू फाइंड लिमिट एक्स अप्रोचेज एफ एक्स, सुनो क्या करना है, बिल्कुल ध्यान सुनो क्या करना है, सुनिए लिमिट एक्स अप्रोचेज एफ एक्स, आप सबसे पहले फाइंड करेंगे फाइंड एफ ऑफ ए। आप सबसे पहले, बल्कि इसको ऐसे लिखना चाहिए, सब बकवास है, इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले फाइंड करेंगे एफ ऑफ ए। दो बातें हो सकती हैं, दो बातें, या तो एफ ऑफ ए इज सम इन डिटरमिनेट फॉर्म, ये लीजिए गुरु जी पढ़ाते पढ़ाते नया ही शब्द बोल दिया, या एफ ऑफ ए इज
नॉट एनी इन डेटर मिनेट फॉर्म, या तो एफ ऑफ ए कोई ना कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा। अब ये क्या नई बला आ गई इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो बता देते हैं। पूरे ब्रह्मांड में सात ही इनडिटरमिनेट फॉर्म है। कितनी? सात। देयर आर ओनली सेवन इन डिटर मिनेट फॉर्म। सात इनडिटरमिनेट फॉर्म है। कौन कौन सी? जीरो अपॉन जीरो, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, जीरो इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, वन की पावर इन्फिनिटी, जीरो की पावर जीरो एंड इन्फिनिटी की पावर जीरो। ये सात इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ये चार कहलाती हैं एल्जेब्रिक इनडिटरमिनेट फॉर्म, ये तीन कहलाती हैं एक्सपोनेंशियल इनडिटरमिनेट फॉर्म। आइए कुछ एग्जाम्पल से मैं समझाऊं। जैसे साइन एक्स अपॉन एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो इज जीरो बाई जीरो। देखिए, अगर साइन एक्स अपॉन एक्स है और एक्स को जीरो रख दे तो कौन सी फॉर्म बन गई? जीरो बाई जीरो फॉर्म बन गई। यहीं पर अगर मैं बात करूं साइन एक्स की पावर टेन एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू इज वन की पावर इन्फिनिटी। देखिए, अगर एक्स को पाई बाई टू रख देंगे तो ये चीज वन की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। आइए और बात करें, टेन थ्री एक्स अपॉन टेन एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू इज इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। टेन थ्री एक्स अपॉन टेन एक्स अगर पाई बाई टू पर बात करें तो कौन सी फॉर्म है? ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। ऐसे अलग अलग फंक्शन अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग फॉर्म ले लेंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, आप सबसे पहले एफ ऑफ ए निकालिए। जिस पॉइंट पर लिमिट निकालनी है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालिए। तो दो ही बातें होंगी, या तो कोई ना कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म ले लेगा। अब तो आपको पहचानवा दिया कि भैया ब्रह्मांड में कितनी फॉर्म है, सात। बस ए जीरो बाई जीरो, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, जीरो इंटू इंफिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, वन की पावर इन्फिनिटी, जीरो की पावर जीरो, इन्फिनिटी की पावर जीरो। जैसे एक्स की पावर एक्स, ऐसे सब एग्जाम्पल अपन दे सकते हैं। जैसे एक्स की पावर एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो इज जीरो की पावर जीरो। ऐसे और भी एग्जाम्पल दे दीजिए। तो आपको सबसे पहले एफ ऑफ ए निकालना है, और एफ ऑफ ए निकाल के आप देखेंगे, जांचेंगे कि यार ये इंडिटरमिनेट बनती है कि नहीं बनती। दो ही बातें होंगी, या तो इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा या नहीं होगा, और तो कुछ नहीं बनेगा। इसको देख के क्वेश्चन शुरू करना है, ऐसे अंधों की तरह नहीं जुट जाना। अब दो बातें हैं, या तो वो इनडिटरमिनेट आएगा या वो इनडिटरमिनेट नहीं आएगा। सुनिए ध्यान से, अगर इनडिटरमिनेट आता है तो यूज स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉल्विंग दैट फॉर्म एंड गेट द लिमिट। सात इनडिटर्मिनेट फॉर्म है और हर फॉर्म का मेथड सेट है। सात इनडिटर्मिनेट फॉर्म है और हर फॉर्म का मेथड सेट है, बिल्कुल सेट मेथड। ये ऐसा ये कर दे, ऐसा ये कर दे, ऐसा ये कर दे। तो अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई तो खुश हो जाइए, धीरे से हंसी। पर क्या करना है, उस स्टैंडर्ड फॉर्म का स्टैंडर्ड मेथड यूज करिए। यूज स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉल्विंग दैट फॉर्म। सात फॉर्म है, मैं हर फॉर्म का मेथड बता दूंगा। भैया ये कर, ये दिखे, ये कर ले, ये दिखे, ये कर ले, ये दिखे, ये कर ले। उस फॉर्म का स्टैंडर्ड मेथड इस्तेमाल करो, लिमिट आ गई, कहानी खत्म। दिक्कत तो ये है, अगर कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आई तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आई तो आप चेक करेंगे, चेक वेदर फंक्शन कंटेन्स एनी वन ऑफ नंबर वन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो नहीं है उसके अंदर, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन तो नहीं है उसके अंदर, मॉड्यूलस फंक्शन तो नहीं है उसके अंदर, सिग्नम फंक्शन तो नहीं है उसके अंदर, नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन तो नहीं है उसके अंदर, नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन
भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन पार्ट, मॉडुलस हो गया, सिग्नम हो गया, नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन तो नहीं है उसके अंदर, हाँ दैट इज कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट। और सातवां यहीं पर लिख देता हूं, सेवन, मैक्समिन फंक्शन तो नहीं है उसके अंदर। ये सात भूत हैं, सात का बड़ा महत्व है, सात इंटीजर फॉर्म, सात भूत, कहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो नहीं है, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन तो नहीं है, मॉडुलस सिग्नम ये तो नहीं है। अब सुनिए ध्यान से, क्या करना है, कुछ नहीं करना। इफ नन प्रेजेंट, अगर एक भी प्रेजेंट नहीं है, न इंटीजर फॉर्म भी नहीं आई, एक भी प्रेजेंट नहीं है, देन एफ ऑफ ए इज आवर रिक्वायर्ड लिमिट। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी नहीं बनी और इनमें से एक भी प्रेजेंट भी नहीं है, तो एफ ऑफ ए ही आपकी रिक्वायर्ड लिमिट है। झंझट ही खत्म। अगर एनी वन प्रेजेंट, एक भी अगर हो गया, अगर एक भी प्रेजेंट हो गया, फिर तो कहानी गड़बड़ हो गई, फिर आपको इवेल्युएट एल एच एल एन आर एच एल प्रॉपरली एंड केयरफुल्ली। अगर एक भी इन भूतों में से आ गया, तो एल एच एल आर एच एल आपको प्रॉपरली और केयरफुल्ली इवेल्युएट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा एल एच एल आर एच एल बराबर है कि नहीं है। तो कुल मिला के इस चैप्टर में मात्र आठ बातें सीखनी है, छोटा चैप्टर, आठ बातें। आठ बातें कौन कौन सी? सात इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इन सातों को सॉल्व करने का स्टैंडर्ड मेथड, और आठवां ये प्रॉपरली केयरफुल्ली, बस ये है किसी भी लिमिट को निकालने का सेट मेथड। बिल्कुल दिमाग मत लगाइए। सबसे पहले एक्स की जगह ए रख के एफ ऑफ ए निकालिए, इनडिटर्मिनेट आती है कि नहीं आती, आती है तो कौन सी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है उसके हिसाब का मेथड लगाइए, उत्तर पाइए। नहीं आती तो जांचिए इन सातों में से कोई है कि नहीं, अगर कोई भी नहीं है तो एफ ऑफ ए ही लिमिट हो गई आपकी, और अगर कोई है तो भैया एल एच एल आर एच एल प्रॉपरली निकालना पड़ेगा। कॉपी करिए।